हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन मैं हूँ कोमल सोनी और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ बात होती है ब्यूटी की और बहुत सारे DIY हैक्स एंड बहुत कुछ आपको इस चैनल पे देखने मिलेगा। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का है कि आपके फेस पे पिंपल्स हो गए हैं और उसके स्पॉट्स रह गए हैं, या फिर आपके जो झाइयाँ होती है, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, ये वाला पोर्शन ब्लैक हो जाता है। ऐसे अगर आपके प्रॉब्लम है तो उसका बहुत ही इजी होम रेमेडीज़ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, और आप देखते रहिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट चाहिए इसके अंदर, सिर्फ आपको हनी और लेमन चाहिए, जो जो कि हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो आपको ले लेना है 1 चम्मच या एक से ज़्यादा आपके फेस पे अप्लाई हो जितना, और उसके अंदर आपको डाल देना है आधा नींबू। और इस तरह से मैंने आधे नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया है और इसे हमें मिक्स करना है अच्छे से। फिर उसके बाद में इसे जहाँ भी हमारे फेस पे झाइया है या फिर स्पॉट्स है, जहाँ भी जो भी है उसके ऊपर इसे अप्लाई करना है। आपको ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है, सिर्फ 10 मिनट इसे रखना है और गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर देना है। देन आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि कितना अच्छा है और कितना बेस्ट रिज़ल्ट है। तो ये तो एक रेमेडी हो गई है, इसे मैं अप्लाई करके बताऊंगी आपको। एंड सेकंड ये है कि आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, बेसन के अंदर दही डालना है, दही और हल्दी और शहद, आपको ये 3-4 चीज़ें मिला के फिर उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको इसे भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करके बता देती हूँ। तो इसे अप्लाई करना बहुत इजी है, आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप अपना ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं या फिर हेयर फेस पैक का ब्रश यूज़ करते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी जलन जैसा महसूस हो तो आप इसे तुरंत वॉश कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लेमन है और लेमन एक साइट्रिक एसिड का काम करता है, जो कि हमारे फेस पर थोड़ी सी जलन पैदा करता है। तो अगर आपको ज़्यादा जलन हो तो आप इसे अवॉइड कर दीजिए और फेस को वॉश कर दीजिए। और इसके बाद में अगर आपको एलर्जी हो लेमन से या फिर हनी से तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, ये बहुत ही सेफ़ है। वैसे तो बहुत कम लोगों को इसे एलर्जी होती है, तो कह नहीं सकते अब कौन वीडियो देख रहा है और कौन इसे अप्लाई करेगा, तो मैं बता देना चाहती हूँ। तो आपको इसे अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करना है, 10 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद में आपको हल्के से धीरे धीरे इस तरह से मसाज करते हुए वॉश कर देना है, एंड आप देखेंगे कि आपकी जो झाइया है वो तुरंत तुरंत तो नहीं, आपको 2-3 दिन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और 3 दिन में आपको इसे देखने मिलेगा कि ये कितने हद तक कम हो गई है। देन आप इसे कंटिन्यू करिए, 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद में आप 2 या 3 दिन छोड़ के आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो लेमन आप कम यूज़ करिए, पूरा आधा लेमन मत करिए, तो आप थोड़ा सा उसमें से कम रस मिलाइए। इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए फिर आपको फेस को वॉश कर देना है। मुझे 10 मिनट हो गए और अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन इतने सॉफ्ट हो गई है, बेबी सॉफ्ट, और आपको हल्की सी लालिमा भी नज़र आएगी, जो एकदम सॉफ्ट बेबी पिंक स्किन हो गई है। बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे फेस पे तो झाइया नहीं हो रही है, फिर मैंने इसे क्यों अप्लाई किया है? तो जो भी डार्क स्पॉट्स है ये उससे ये कम हो जाते हैं। और बाकी जो, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि मैंने भी इसे अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो बाय, टेक केयर।